नमस्ते है जी। मूलाधार चक्र की ऊर्जा, मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जब हमें ऊपर उठाना है, जब जागृत करना है, तो हमें लम मंत्र का उच्चारण करना होता है। और मुद्रा कौन सी बनानी है? ध्यान मुद्रा, जिसमें नाखून आपस में नहीं जुड़ते। ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। मतलब अपने मूलाधार चक्र के पास ही इस मुद्रा को बनाकर आप रखते हैं और पूरी गहरी सांस लेकर के उच्चारण करते हैं लम। स्थिरता के लिए, बैलेंस के लिए, अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए, अपनी मानसिक स्थिरता के लिए, अपने किसी भी तरह की स्टेबिलिटी के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो सोशल हो, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी के लिए हम मूलाधार चक्र को शक्ति से भरते हैं। 11 बार का उच्चारण करना होता है और 11 बार के उच्चारण के बाद आपको अपने मूलाधार चक्र पर बल महसूस होना शुरू हो जाता है। इसका प्रयोग कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उचित होगा कि हर सुबह अपने अभ्यास में इसे रखें। वम। सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार से ठीक ऊपर। स्वाधिष्ठान चक्र आपके सेक्सुअल डिज़ायर, आपके यौन अंग, जननांग, आपके होने वाले जनरेशन को, आपके इच्छा शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे शक्ति से भरने के लिए हम बिल्कुल ये मुद्रा लगाते हैं। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखा और अंगूठे को आपस में चिपका लिया, आप देख पा रहे हैं। और तकरीबन स्वाधिष्ठान चक्र के सामने ही इसे रख करके वम। 11 बार उच्चारण करेंगे। 11 बार के उच्चारण से ही आपको यहाँ वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। रोज इसका अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपको सैक्रल चक्र मजबूत होने लगा है। सभी चक्रों पर अभ्यास करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी जीवन के किसी कारण की वजह से आपको किसी एक चक्र पर अभ्यास करना पड़ रहा है तो इस तरह से। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस कहते हैं जिसे, धन संपत्ति, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, मान सम्मान और शरीर तल पे आपके अन्नमय कोष, मतलब कि ये जो खाना पचाने को लेकर के जो सारी चीज़ें होती है उसके लिए ये कारक बनता है। तो इसे मजबूत करना चाहते हैं तो रम मंत्र का प्रयोग करेंगे और इसकी मुद्रा होगी एकदम सिंपल। हाथ जोड़ा और अंगूठे को आपस में क्रॉस कर लिया और इसे सोलर प्लेक्सस के सामने ही, मणिपुर चक्र के सामने ही रख करके रम। 11 बार उच्चारण करेंगे। 11 बार के उच्चारण से ही यहाँ वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी और आपका ये चक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। यम। अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं इसे, बिल्कुल आपके चेस्ट के बीचों बीच, मणिपुर चक्र से ठीक ऊपर। इससे हम प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, चाहे वो अपने आप से हो, चाहे वो समाज से हो, शारीरिक तल पर आपके प्राण के लिए, श्वास के लिए इसे कारक मानते हैं। तो इसे अगर हम जागृत करना चाहते हैं, इसे शक्ति से भरना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बुद्ध मुद्रा, इस मुद्रा का अभ्यास करना है और मंत्र होगा यम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी मुद्रा अपने अपने चक्र के आसपास ही बन रही है। मतलब आप चाहेंगे ना चाहेंगे तो भी अगर आप मुद्रा बनाएंगे तो अपने आप ये मुद्रा अपने अपने चक्र के आसपास पहुंच जाते हैं। 11 बार का अभ्यास करेंगे और 11 बार के अभ्यास से ही आपको महसूस होगा कि यहाँ शक्ति भरने शुरू हो गई है और ये चक्र मजबूत होने लग जाए। हम। विशुद्धा चक्र, थॉट चक्र कहते हैं इसे। थॉट चक्र आपकी वाणी के लिए, आपकी वाक शुद्धि के लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए हम इसे मानते हैं और थायराइड ग्लैंड से भी ये जुड़ा हुआ होता है। इससे हम शक्ति से भरने के लिए विशुद्धा मुद्रा का प्रयोग करेंगे। विशुद्धा मुद्रा जो होता है, बस सभी फिंगर्स को आपस में जोड़ लीजिए और अंगूठे को आपस में जोड़ लीजिए, देख पा रहे हैं। बस इसे आप इस तरह से रखें और फिर आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जितने करीब लेकर के आए अपने चक्र के सामने उतना अच्छा होगा। और सिर्फ 11 बार का अभ्यास होगा। हम। इससे
आपका थ्रॉट चक्र शक्ति से भरने लग जाएगा। कभी कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो ना, तो ये करके जाना, देखना कितनी शक्ति मिलेगी। आज्ञा चक्र को जब शक्ति से भरना है तो मुद्रा होगा। आज्ञा चक्र की ये मुद्रा होती है जिसमें हम सभी फिंगर्स को आपस में मोड़ देते हैं और केवल एक फिंगर को आपस में जोड़ देते हैं। आपका अंगूठा भी ऐसे मुड़ा होगा इस तरह से, ठीक है। और पहला जो फिंगर है, पहली जो उंगली है, वो इस तरह से, और इस तरह से आज्ञा चक्र के पास लाएंगे और उच्चारण करेंगे अम। विजडम, ज्ञान, त्रिनेत्र, त्रिज्योति, अंदर के ज्ञान के लिए, बाहर के ज्ञान के लिए, इंट्यूशंस के लिए, आप अपनी आँखों को ज्योति को बढ़ाने के लिए आप आज्ञा चक्र पर अभ्यास करते हैं, तो इस अभ्यास का प्रयोग करें और 11 बार इसे करें और तुरंत आप देखेंगे कि आपको यहाँ वाइब्रेशन फील होना शुरू हो गया, यहाँ बल मिलना शुरू हो गया। सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मांड का केंद्र, आपके अपने ब्रह्मांड का जो केंद्र है, परमात्मा का स्थान मानते हैं जिसे, इसे शक्ति से जब भी भरना है तो आपको ये मुद्रा बनानी है। आपकी सबसे आखिरी, जब सबसे छोटी उंगली को बस आपको बाहर रखना है और आपके बाकी उंगलियां आपस में फोल्ड हो जाएंगी और आपका अंगूठा फोल्ड नहीं होगा, वो भी आपस में इस तरह से जुड़ा होगा। तो ये कुछ इस तरह का मुद्रा बनेगा और इसे आप इस तरह से रख करके अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच में, या थोड़ा ऊपर रख करके आप सबसे मेन बीज मंत्र जिसे बोलते हैं वो है ग्यारह बार का अभ्यास करते ही, 11 बार इसका उच्चारण करते ही आपको एक वाइब्रेशन यहाँ फील होनी शुरू हो जाएगी और तुरंत आप शक्ति से भर जाएंगे। चाहे कितना भी डिप्रेस फील कर रहे हो, चाहे कितना भी आप थके हुए फील कर रहे हो, चाहे कितने भी हारे हुए महसूस कर रहे हो, तुरंत आपको बल मिलेगा, तुरंत शक्ति मिलेगी, तुरंत आपको अपने आप में ही बल और बुद्धि का आभास होना शुरू हो जाएगा और परमात्मा को आप अपने करीब महसूस कर पाएंगे।